कल्पना असम इन द ब्लू ड्रेस 48 किलोग्राम वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। उसका पोटेंशियल देखा मैंने, इतना एनर्जेटिक था वो लड़की। 2001 में अब चेन्नई में फर्स्ट नेशनल हुआ था असम का महिला बॉक्सिंग में, कल्पना चौधरी ने दिया था। कुछ बनना था ऐसा, मतलब उसका दिल में उसका जुनून था। एक बात था उसका अंदर में, क्या वो मेहनत ही थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल, एशिया चैंपियनशिप में भी उसने गोल्ड मारा, बेस्ट बॉक्सर हुआ। बहुत एग्रेसिव है लड़की, और उसका मतलब डर क्या चीज है उसका अंदर में वो तो है नहीं। एक महिला खिलाड़ी जिन्होंने अपनी महान उपलब्धियों से भारत का नाम ऊंचा किया। इस खिलाड़ी ने 3 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता, 5 बार राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीतकर बॉक्सिंग में भारत एवं असम के लिए सम्मान बटोरा। जी हाँ, कल्पना चौधरी है उनका नाम। एक इंसान होता है जो सपना देखता है, और एक इंसान होता है जो अपने सपने को साकार करता है। सपना साकार करने में मेहनत और लगन की बहुत ज़रूरी होता है। जो अपने सपने को साकार करता है वो जाबाज कहलाता है, और हम कहते हैं उन्हें चैलेंजर। जी हाँ, इस एपिसोड में हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ऐसे एक चैलेंजर को जो रियल स्पिरिट और पैशन और जुनून और एग्रेशन में बिलीव करता है, और एक चीज़ में बिलीव करता है, अव्वल होने का, मतलब नंबर वन कहलाने का। वो है बॉक्सर कल्पना चौधरी। ए डेमोंस्ट्रेशन ऑफ करेज एंड असम के मुक्केबाज कल्पना। कल्पना चौधरी ने बॉक्सिंग के माध्यम से असम और भारत के लिए सम्मान बटोरा। So many medals and most of which are actually gold. Kalpana ji, I'm totally surprised to see so many medals. I mean, congratulations again. और साथ में ये trophy भी, तो मैं जानना चाहूँगा आपके लिए memorable medals कौन से हो सकते हैं? I think this is the National Games गुवाहाटी वाला, हाँ जो आसाम में हुआ था 2007 में जी, उसका गोल्ड मेडल है। ओके, लवली। और ये 2001 में पटियाला में हुआ था जी, नेशनल गेम्स, उसका गोल्ड मेडल है। और ये मेरा मतलब सबसे कीमती मेडल जो बोलते हैं ना, 2005 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे ब्रॉन्ज मिला था, इसका वजह से मैं आज मतलब बहुत और भी गोल्ड मेडल लेने के लिए सक्सेस हुआ है जी। और 2008 में आसाम में जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था उसमें मुझे गोल्ड एंड बेस्ट बॉक्सर मिला था, वो ये गोल्ड मेडल है। और जो बेस्ट बॉक्सर ट्रॉफी है जी, वो ये है मेरा, ये है द बेस्ट बॉक्सर ट्रॉफी, फोर्थ एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। ओह माय गॉड, दिस लुक्स सो प्रिटी एंड लवली। नेशनल चैंपियनशिप में शायद आपने 5 बार मुझे आपको गोल्ड मिला है। मैं डेनमार्क में खेले थे तब मुझे सिल्वर मेडल मिला था जी। और रशिया में इन्विटेशन टूर्नामेंट खेला था उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था, यही मेडल है। कनाडा में गेम लगा हुआ था एक, उसमें हम लोग बीच बीच में गेम करवाया था, 3 गोल्ड मेडल मिला था, 3 गोल्ड मेडल, 3 गोल्ड मेडल मिला था। और भी मेडल है ये में, बहुत सारा मेडल गई आप, बुल्गारिया, हंगरी, टर्की, कई सारे जगह पे आपने अपना प्रदर्शन भी दिखाया जी। हाँ, कल्पना को बचपन से ही खेल कूद की रुचि थी, और 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी बॉक्सिंग करियर का शुरुआत किया था। उनके जीजा जी भी खुद एक बॉक्सर थे और उनके साथ अपना बॉक्सिंग करियर शुरू किया। 99 में जब असम में महिला बॉक्सिंग जब शुरू होने वाले थे तो उस समय महिला मिलना बहुत मुश्किल एक बात था। 3 लड़के मिल गए थे, चौथा नहीं मिल रहा था, इसीलिए मेरे मिसेस को मैंने खड़ा किया। 4 लड़कियों से असम में पहले बॉक्सिंग शुरू किया। 99 में जो महिला बॉक्सिंग देखने के बाद धीरे धीरे लड़के लोग आ गए, तो कल्पना चौधरी ने भी आए। जब वुमेन बॉक्सिंग जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैं खेल नहीं पाया, मेरा घर से सपोर्ट नहीं किया था। उसके बाद में मेरा दीदी जो शादीशुदा है उसने खेला, तो उसके बाद में मैं बोला दीदी जब खेल रहे हैं तो मैं खेल सकता हूँ। मेरा पापा बोला ठीक है आप जाइए, पापा ने मुझे भेज दिया मेरा जिया जी घर में। 99 में मेरा जिया जी का घर में घूमने गया जी। तो मैं देखा जिया जी ने प्रैक्टिस कर रहा था, मैं जिया जी से पूछा जिया जी मैं ये गेम नहीं खेल सकता क्या। जब वुमेन बॉक्सिंग स्टार्ट कर दिया तो मेरा जिया जी मुझे बोला ठीक है आप कर सकते हैं बॉक्सिंग। उसका उम्र 17-18 ऐसे था, दिसंबर से उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग शुरू किया। घर में एक रिंग के जैसा बनाया हुआ था, वहीं प्रैक्टिस किया,
फिर इसके बाद हमारा तिनसुकिया में फर्स्ट 99 में इस जून था, इस जून में मैंने खेला, गोल्ड मेडल मिला उसमें। फिर उसके बाद में 2000 में आपने कहा मोरान में इंटर डिस्ट्रिक्ट, उसमें खेला मैं, गोल एंड बेस्ट बॉक्सर मिला मुझे फर्स्ट टाइम। हर मुश्किलों का सामना करते हुए कल्पना चौधरी ने एकमात्र केंद्र सिर्फ बॉक्सिंग बना लिया था और 2001 में कल्पना चौधरी ने पहली बार नेशनल गेम्स में भाग लिया। तो उस पर्टिकुलर मैच के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया था आपने? मैं तो नेशनल के लिए तो मेरा जीजी मुझे रेडी किया था, फर्स्ट अपना गांव में लीडू में प्रैक्टिस करके रेडी हुआ। फिर वहां से मेरा सैम डेनियल था मेरा कोच, मेरा जीजी को भी कोच है, तो सैम डेनियल मैंने हमको हमें रेडी करके फिर नेशनल के लिए चेन्नई लेके गया था। और नेशनल में जब आप खेले उसके बारे में बताएंगे जरा? गेम के बारे में पता भी नहीं था कैसे क्या होता है, पहले बार गया नेशनल खेलने के, काफी लोग हैं, मेरी कॉम भी गया था उस टाइम खेलने के लिए नेशनल, तो सब लोग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी इसमें गेम है, मेरा वेट भी काफी वेट ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो मैं वेट घटा के ऐसे करके खेला था, तो मैं बेस्ट हुआ सबसे। हाँ। तो उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो कैसा लगा था वो फीलिंग? ऑफ कोर्स इज अमेजिंग, बहुत 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 खुश हुआ मैं उस टाइम, जितना मेहनत किया था। एक तो गांव को पता ही आप लोगों को कैसे कीचड़ वगैरह होता है, तो जूता हाथ में लेके आना प्रैक्टिस में, फिर रास्ते में आके बदलना, चेंज कर पहनना, धोना, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया मैंने। जब गोल्ड मेडल मिला तो मैंने सारा बात भूल गया। नेशनल्स के बाद कल्पना चौधरी ईस्ट जोन ईटानगर के लिए खेलने लगी और अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत की। तो मेरा जो अभी यहाँ कोच है गीता चानू, उनका साथ मेरा बाउट हुआ मणिपुर का, मतलब तब वो सबसे अच्छा बॉक्सर था जी। तो सब लोग मेरा बोला था नहीं तुम कल्पना शायद खेल पाएगा नहीं, नहीं, पर मैं अपने आप समझ के मतलब मैं तो उसको मार देगी। फिर रिंग में खेला मैं तो गीता चानू से जीत गया, उसी में उसने गोल्ड लगाया, बस वहीं से उनका करियर शुरू हो गया। 2001 में पटियाला में आयोजित नेशनल गेम्स में भाग लिया और 2002 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात साई में उनको दाखिला मिल गया। नेशनल गेम्स खेलने पटियाला गया, वहाँ भी मेरा अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड मेडल था। सर मतलब 3-4 जितना बोट था उसका, हर बोट में वो इतना बढ़िया से एकदम पहले से लीड लेके मतलब जाते थे वो, और फाइनल में तो इतना मतलब धाधर उसने फाइट किया, तो मैं उसका देखा कि जैसे भी वो लेना है उसको, तो उसी हिसाब से मैं उसको लिया। 2002 में मेरा साई में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद साई में प्रैक्टिस करते करते धीरे वो अमर डेगा सर ने भी था वहाँ, काफी मतलब मेहनत कैसे करना पड़ता है, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, वो फॉर्मल ट्रेनिंग आपको मिला। हाइट भी उसका एक मीडियम रेंज का बॉक्सर है वो, उसी हिसाब से उसका वेट भी वही है जो है मेरी कॉम था उसका वेट में, उसी का हिसाब से हम उसको ट्रेनिंग कर रहे थे कि तुम ज्यादा से ज्यादा मीडियम रेंज में खेलो, कोई लॉन्ग रेंज है नहीं और कोई क्लोज में भी खेलना नहीं चाहिए, तो मीडियम रेंज में वो खेलते थे और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट पंचेज इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये ज़्यादा बैंड आर्म ब्लोज मतलब हुक कट में ये सब में ज़्यादा नहीं है, तो इसमें स्कोरिंग भी ज़्यादा होता है क्योंकि स्कोरिंग हमको ज़्यादा चाहिए, कंप्यूटर स्कोरिंग होता है, ये मैनुअल स्कोरिंग नहीं है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग देखते हैं इन लोग का, तो अगर पंचेज करेक्ट रहता है तो इसमें पॉइंट ज़्यादा मिलता है। 2005 में कल्पना चौधरी असम की पहली महिला थी जिन्होंने रशिया में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। 2005 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए इसने वर्ल्ड महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त कर पूरे आसाम ही नहीं हिंदुस्तान को भी गौरवान्वित किया। यह ऐसी पहली महिला मुक्केबाज बनी आसाम की जिसने वर्ल्ड लेवल में एक पदक प्राप्त किया है। 2005 में मैं पटियाला में कैंप कर रही थी, मतलब बड़े बड़े लड़के के साथ में फाइट करने देता था इंडिया कैंप में, तो अच्छा करता था लेकिन मुझे मौका चांस नहीं मिलता था खेलने के लिए। मुझे चीफ कोच ने बोला कल्पना अगर इस बाउट में तुम अच्छा खेल सकते हैं तो तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रशिया जा सकते हैं, तो हम सिलेक्शन फाइट किया, मैं बहुत अच्छा फाइट किया, स्कोर भी मुझे ज़्यादा मिला, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं रशिया के लिए सिलेक्शन हो गया मेरा, तो उस दिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मतलब फिर मैं खेलने के लिए गया, फर्स्ट बाउट मेरा था आपका यूएसए के साथ, वो बाउट तो मैं जीत गया, फिर मेरा इटाली के साथ था उसका शायद 14 था, मेरा 12 पॉइंट में ऐसे मैं हार गया, फिर भी मैं खुश है क्योंकि वो एक बहुत अच्छा बॉक्सर था उस टाइम, वर्ल्ड नंबर 1 था, उनका साथ में 2-1 स्कोर के लिए हार गया, तो मेरा तब दुख नहीं हुआ था। आपका एक्सपीरियंस लेकिन अच्छा रहा, चाहे आप ब्रॉन्ज ही जीते हो लेकिन यू मे नॉट हैव विन द गोल्ड, बट देन वो एक्सपीरियंस लेकिन आई गेस इज क्वाइट चेरिशेबल मोमेंट फॉर यू, क्योंकि असम से आप पहली औरत है जो इन नेशनल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपने असम से गए आप पार्टिसिपेट करने के लिए। जी हाँ,
मेहनत करने के लिए पीछे नहीं रहते हमें। मैं जितना सकता मेरा मेहनत करना चाहता है, किसी का भी मेरा आगे जाने से मेरा चैन नहीं होता, मतलब मैं ही आगे जाना है मुझे। हौसला अफजाई करते हुए और ये था काउंटर अटैक असम के मुक्केबाज का, बहुत ही खूबसूरत हमला। कल्पना चौधरी एक बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है जिन्होंने अपने साहस से अपनी हर परेशानियों को पार करके अपने मंजिल को हासिल किया और उसी का परिणाम है 2008 का एशियन चैंपियनशिप जो गुवाहाटी में आयोजित हुआ था, जहां कल्पना चौधरी को गोल्ड मेडल के साथ साथ बेस्ट बॉक्सर का खिताब मिला था। 2008 में एशियन चैंपियनशिप जब गुवाहाटी असम में था, उसके लिए हमारे साथ दिल्ली में कैंप हुआ था, हमारा कैंप आ गया गुवाहाटी साई में, तो इसमें सिलेक्शन फाइट हुआ तो मुझे मिला सिलेक्शन। तो उस टाइम मैं सोच लिया मेरा असम में हो रहा है, मेरा जितना असम का ऑडियंस है, मेरा फैमिली है, हर लोग मतलब मेरा गेम के लिए आएगा देखने के लिए, तो मैं अगर रिंग में हार जाऊं तो उन लोगों को बहुत दुख होगा। तो इसलिए मैं सोचा एशियन खेलेगा तो मैं ऐसे खेलेगा जो लोग मुझे बाबा करना पड़ेगा। मेरा ओपोनेंट जो आया मैं किसी मतलब हारने के लिए मैं सोचा ही नहीं, उनको जैसे भी मुझे मारना है। तो फर्स्ट तो मैं कजाकिस्तान का कोई बॉक्सर था, उनका इंटरव्यू भी देखा, मैं होटल में रुका हुआ था, तो उसमें न्यूज में आया मैं कजाकिस्तान से आया, मैं गोल लेने के लिए आया 48 kg में। तो मैं बोला मैं क्या करने के लिए बैठा है, मैं भी तो ये गोल्ड मेडल लेने के लिए बैठा है, मैं सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं मैं बेस्ट भी होना चाहता है। फर्स्ट बाउट उसका कजाकिस्तान के साथ ही मेरा बाउट हो गया, तो उनके साथ खेला तो मैं बहुत अच्छा बाउट दिया, मैं उसके साथ मैं जीत गया। फिर मेरा डीपीआर कोरिया के साथ बाउट था, तो वो बहुत अच्छा लड़की है, तो मेरा कोचेज लोग थोड़ा कन्फ्यूज था कल्पना का बाउट क्या होगा, थोड़ा डरा हुआ भी था। उसके साथ बाउट हुआ तो मैं कामाख्या मंदिर तरफ देख के वहाँ प्रे किया अपना, तो प्रे करके मैं इस रास्ता से मैं गया। जब भी मैं बाउट खेलने गया तब बारिश थोड़ा से हो रहा था, तो मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा मिल रहा था, हाँ भाई बारिश हो रहा है थोड़ा, मेरा तो जीतना ही है आज। तो मैं ऐसे खेल के डीपीआर कोरिया का साथ में भी जीत गया फाइनल बाउट। वो लड़की मेरे से बहुत हाइट में ज्यादा था। उस वक्त ऑडियंस रिएक्शन दैट मोमेंट वो कैसा रहा? पहले बात तो मैं जब रिंग में खेल रही थी तब ऑडियंस चारों तरफ से कल्पना मारो ये सुन रहा था मुझे रिंग में से, जो फैमिली मेरा घर का बैठा हुआ था, तो उन लोग जैसे लग रहा है रोएगा अभी, बहुत ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंट हो गया जब, तो मुझे जीतना है बाउट जैसे भी, मैं किसी की तरफ देखा नहीं, मैं नॉन स्टॉप हाथ चलाते रहा, मुझे जीतना अपना असम है, मुझे याद है जो हम ग्राउंड मतलब भगा के इसको मार के ऐसे करके अपना बाउट खेला और जीता और गोल्ड मेडल भी मिला मुझे, बेस्ट बॉक्सर भी। कल्पना चौधरी की घर की आर्थिक स्थिति बचपन से ही कमजोर रही है, लेकिन एक बॉक्सर बनना और एक जगह से जहां बॉक्सिंग की कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, कोई एक चुनौती से कम नहीं था। एक्चुअली कल्पना तो एक बहुत रिमोट एरिया लीडो का एक गांव के अंदर से आए थे, वो घर के काम करता रहा, खेती पथार में काम करता रहा, काम करके फिर चला जाता रहा उसका बनाई घर में खेलने के लिए। हम लोग बहुत अंदर गांव का है, आप लोग कभी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट गए होंगे तो वहाँ से आपको लीडू से बहुत अंदर गांव है, जहाँ मतलब इतना कीचड़ होता है कि आदमी घर से निकलना भी प्रॉब्लम। वो जगह से कल्पना को लेके आना एक बात था, उसका अंदर में क्या वो मेहनत करती थी, हम लोग का आर्थिक प्रॉब्लम बहुत था क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी करने वाला था, तो उसका जीजाजी तब आपका एक होमगार्ड का जॉब करता था, उसी से मतलब हम लोग कुछ रोज से गुजारा किया, लेकिन वो एक चीज था जितना दिया उसी में कर लेता था। वो चेन्नई नेशनल जाने का टाइम में जूता नहीं थी उसके पास, हमने किसी से पैसा लेके उसके बाद उसको जूता खरीद लिया, उसको जाने के लिए सिर्फ 250 रुपया दिया हम लोग यहाँ से चेन्नई जाने के लिए। मेरा डिपेंडेंस सिर्फ खेती था और कल्पना का भी खेती था, शुरू से सीनियर खेलने लगे, उस समय ट्रेनिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आते थे, ट्रैक सूट का प्रॉब्लम होता था, हम दोनों खेलते थे, कल्पना भी खेलते थे, मैं भी खेलता था, तो कभी ड्रेस के वजह से हम दो नहीं जा सकता था, इसीलिए मैंने ज़्यादा खेल नहीं पाया, ग्लव्स नहीं था, पेड नहीं था, ऐसे बैग भी नसीब ही नहीं था अपना हाथ में, और ऐसे ग्लव्स से अपना जैसे अंगना में बॉक्सिंग शुरू किया था, कभी किराए के लिए प्रॉब्लम हो जाता था, उस समय गुवाहाटी आना जाना भी बहुत सोचने के बाद था, छोटा मोटा जो नौकरी करता था उसी से चलता था, घर भी चलाना था मेरा, फिर भी बच्चा भी देखना पड़ता था और कल्पना को भी चलाना था, बहुत से प्रॉब्लम आया था, फिर भी हमने अपने दिल और कोशिश के जरिए से आज कल्पना इतना आगे आए हैं। नो टाइम में कल्पना को लेके वो जीजाजी जाना तो बहुत बात करता था आदमी लोग कि ये लड़की से जा रहा है क्या होगा, ये लोगों तो कुछ है नहीं तो खेला गया क्या होगा, तो कभी अगर खेल के आता था तुमको क्या मिला, वो मेडल दिखाने से बोलता था ये क्या है पैसा मिला, तो बोलते नहीं हमको मेडल मिला, मेडल तो मेडल और सर्टिफिकेट का अंदर में उन लोगों को मालूम नहीं था ना ये चीज क्या है,
जब कल्पना नेशनल गेम्स में पंजाब में जब गोल्ड मेडल लगाया तब जाके वो आदमी का नजर में उभर के आया, मतलब हाँ ये बॉक्सिंग ऐसा चीज है। जब पेपर में आया, मीडिया में आया, तब समझ में आया जी हाँ बॉक्सिंग है, इसी से आदमी का ऐसा कोई नाम कर सकता है, तो उसी से उसका जानने शुरू हुआ। शादी के बाद कल्पना चौधरी के शौहर ने भी उन्हें पूरा प्रोत्साहित किया। उनके सास ससुर ने भी उनको अपनी बेटी की तरह खेलकूद जारी रखने के लिए साथ दिया। आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। यू नो यू हैव बीन अ कांस्टेंट सपोर्ट, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। एक कांस्टेंट सपोर्ट एक खास तौर पर हस्बैंड का बहुत महत्व रखता है एक औरत के लिए। यू हैव बीन देयर थ्रू थिक एंड थिन, आप क्या कहना चाहोगे? सपोर्ट तो मेरा हर टाइम रहता है, और जब से मतलब मैं कल्पना के लाइफ में आया है तब से तो मैं फुल एंड फाइनली उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमने सुना है कि इन्होंने आपको सपोर्ट करते करते मतलब रायबरेली लखनऊ तक पहुंच गए, आपको खेलने के लिए वहां तक भी लेके गए। हाँ जी, उसके बारे में बताएंगे आप? प्रैक्टिस इतना था नहीं मेरा, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था खेलने के लिए मेरा। उसने बोला नहीं आपको खेलना है, आगे जाना है, तुम कोशिश करो, तुम कर सकता है। क्योंकि मेरा तो पहले दिल टूट चुका है ना, पहले मुझे लगा मैं शायद कर नहीं पाएगा। इन्होंने बोला नहीं तुम कर पाएगा, तुम करो कोशिश, तुम्हारा बैग में मैं है अभी, तुम आगे जाओ, जो प्रॉब्लम होगा हम फेस करेगा, तुम खेलो। मेरा ससुराल से भी मुझे सपोर्ट करते हैं हर टाइम। मेरा ससुर जी है, वो उसने फोन करता है कल्पना प्रैक्टिस में गया कि नहीं, प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं, अच्छा डाइट ले रहा है कि नहीं तुम, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ फिर से मैं अच्छा से प्रैक्टिस करके खेलने के लिए मतलब अभी कोशिश कर रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे, अब ये इस मुकाम पर इस पड़ाव पर है जिंदगी के जहाँ पे वी सी सो मेनी एस्पिरेंट्स एंड यंगस्टर्स फॉलोइंग हर फुटस्टेप, आपको एज अ हस्बैंड कैसा महसूस होता है? कल्पना चौधरी का हस्बैंड बोल के मुझे बहुत मतलब प्राउड फील होता है जी। मतलब इसके साथ में जहाँ भी जो भी प्रोग्राम में जाता हूँ मुझे बहुत रेस्पॉन्स मिलता है, मतलब प्राउड फील होता है। आप दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, कितना साल हो चुका है आप लोगों के? हम लोग का शादी का अभी 2 साल हुआ है। हम लोग ने शादी किया था 2016 का 29 फरवरी। आप पर्सनली उनसे कब मिले? 2007 में असम में 33 नेशनल गेम्स हुआ था, उस टाइम मैं उसका गेम देखने गया था। वो वहाँ पे 33 नेशनल गेम्स में उसका गोल्ड मेडल मिला था। फिर 2008 में भी उसका एशियन में गोल्ड मेडल बेस्ट बॉक्सर मिला। इसे ऐसे करके मेरा नजर में वो तो आ ही गया था, मैं उसका बहुत बड़ा फैन बन गया। ऐसा था कि उसके मुझे कल्पना चौधरी से मिलना ही है, कैसे भी करके मिलना है। तो नेशनल गेम्स के टाइम में उससे मिला था मैं एक बार, तो उसको बोला था कि मैडम आप के साथ एक फोटो खिंचवा सकते हैं, आपका ऑटोग्राफ सही है, ऐसे मतलब उसके साथ इंटरेक्शन पहले हुआ था। लेकिन वो जब मालेगांव में आ गया, गुवाहाटी मालेगांव में वो सेटिंग हो गया था, मैं भी मालेगांव में ही था। इससे पहले मतलब उसको बहुत साल के बाद में देखा, उस टाइम उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप हो गया, बाद में वो फ्रेंडशिप जाके वो लाइफ में कन्वर्ट हो गया, बाद में हमने शादी का प्रस्ताव दिया गया। और अभी आपका एक सुपुत्र भी है, उनका भी कुछ है मतलब आप लोगों का कुछ रिझाव है वांट हिम टू बी इनटू स्पोर्ट्स? मेरा मन यही है, जिससे मैं कल्पना को लेकर प्राउड फील करता हूँ, मेरा बेटा एक दिन ऐसा होना कि उसको लेकर मैं प्राउड फील करूँ। ऑफ कोर्स अ फादर ऑलवेज ड्रीम्स एंड वांट्स दैट वे। कल्पना चौधरी की अनोखी कहानी उन्हें नवयुगों की खिलाड़ियों में एक प्रेरणा बनाती है। वो अपने साथ साथ नए खिलाड़ियों को भी उत्साह के साथ ट्रेनिंग देती है। आगे भी हम लोग को भी जगह बनाना चाहिए कल्पना दीदी जैसा। एक आदमी भी खुले हैं सुने है। उसने भी और बच्चा का पीछे लगा हुआ है और 2-4 बच्चा निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। उसका देखा देखिए अब मेरा 3 बेटी है, सब टोटली सब बॉक्सिंग, दीदी का लड़का लोग है वो लोग भी बॉक्सिंग में है। बहुत कुछ सीखा, बिहेवियर सीखा प्रैक्टिस में भी, अब तो ज़्यादा ही रिलेशन जैसा हो गया हम लोग का, और प्रैक्टिस में भी कोई गलत होने से उसमें भी कुछ सीखा देता है, सपोर्ट करता है बहुत, आगे कुछ करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा जैसे वो और भी 2-4 उनका जैसे बॉक्सर बना पाए। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी, एक अच्छी इंसान, एक माँ होने के साथ साथ कल्पना चौधरी है एक इंस्पिरेशन, जिन्होंने असंभव को संभव किया और एक मिसाल बनकर अपने मेहनत, निष्ठा और लगन की बलबूते पर कामयाब हुई। तो आपके लिए ये रिंग क्या मायने रखता है? मैं बॉक्सिंग बहुत लाइक करता हूँ, मेरा बॉक्सिंग मेरे लिए करियर है, मेरा भविष्य है जी। आज खड़ा है तो मैं बॉक्सिंग के लिए ही खड़े हैं। जितना भी आप उसको लोड डालो, कोई भी परेशानी वो अपने आप झेल सकता है। वो 5 तो बहुत स्पीड है, 5 और फूड उसी में ज्यादा अच्छा लगता है।
किस तरह से आप डिफाइन करोगे बॉक्सिंग को? मैं तो अपना माइंड में रिंग में जाने के पहले 10 मिनट अपना बैठ के प्रे करती हूँ और अपना सोचते हैं मुझे कैसे खेलना है, मुझे क्या करना है, कोचेज जो बोलेगा मैं वो सुनेंगे, रिंग में कैसे खेलना है, कैसे क्या करना है, मूवमेंट करना है, मैं 10 मिनट बैठ के वो सोच लेते हैं। उसके बाद मैं अपना वहाँ प्रैक्टिस करके रिंग में चढ़ती हूँ, मुझे बस जीतना ही है। और एक जुनून था उसमें, 4 बजे उठ के उसका जीजाजी के पीछे लगा रहा था, उठो चलो हमको कराओ, तो एक बार नहीं उठे से फिर दोबारा कपड़ा ले जाकर रख देना, हुआ मैं ड्रेस लेके रख देना, फिर भी आप उठो लेके चलो हमको, वो मतलब हरदम ये चीज में था, तो इसी के चलते वो इतना आगे तक आया। आपने खुद मेंशन किया कि आप ट्रेनिंग में इतना माहिर भी नहीं थी, फिर भी आपका परफॉर्मेंस अमेजिंग रहा, कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होना जरूरी है, वो आपके जिंदगी में या फिर आपके खेल में क्या है? मतलब मुझे जीतना है, जो भी मेरा आगे उसको मुझे मारना है, उसको हराना है। मेरा मतलब घर का भी बहुत कंडीशन इतना कुछ अच्छा नहीं था, मेरा ये था क्या जे मैं बाउट जीतने से मुझे पैसा मिलेगा, मेरा घर में कुछ काम आएगा, तो मुझे ये खेल मतलब जीतना है। पर अभी नहीं, अभी तो मुझे खेलना है, मेरा एक पैशन बन पैशन गया। तो मैं अभी सोचते हैं मैं खेलना चाहता है बहुत मतलब अच्छा से। MC मैरी कॉम, ML सरिता देवी के साथ साथ यह पूरे नॉर्थ ईस्ट की एक उच्च कोट की प्रतिभावान एवं बहुत ही मेहनती खिलाड़ी रही है। जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी कैसे रास्ते बनाए जाते हैं, एक अच्छा उदाहरण है कल्पना चौधरी। कल्पना चौधरी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी परिश्रमी स्वभाव, जो हर मुश्किलों को हरा सकती है, उसे हर मुसीबत पर काबू पाना आता है। आपने कई सारे चुनौतियों का सामना किया है और कई सारे आपने मुसीबतों का सामना करके आज आप इस मुकाम पे हैं और इसीलिए शायद आप चैलेंजर है, तो शायद अब अफसोस करने की कोई बात भी नहीं है। ना मेडल लाया, फिर मैं अगर मेरा बैकग्राउंड अगर अच्छा होता तो शायद मैं ओलंपिक का लाइन में अभी मैं खड़े रहते हैं, वही मेरा थोड़ा दुख रह गया मेरा, इसलिए अभी भी मैं मेहनत कर रहा है और एक बार मैं खेलना चाहता हूँ मेडल, एक बार लेके मैं फिर बाय करके बॉक्सिंग छोड़ना चाहता हूँ। हमारी शुभकामना आपके लिए हमेशा रहेगा। खूबसूरत मुकाबला और उसके साथ ये मणिपुर का मुकाबला था और कल्पना ये मुकाबला जीत गई। वेल, ये थे चैलेंजर कल्पना चौधरी। एक चीज उनसे सीखने को मिली और वो है आई विल बी द नंबर वन। जी हाँ, द नंबर वन एटीट्यूड एंड द नेवर टू फेल एटीट्यूड इज माइंड ब्लोइंग। आई थिंक यंगर जेनरेशन और हर किसी को उनसे ये सीखना चाहिए, लेना चाहिए और आदत डाल लेना चाहिए कि आई कैन श्योरली बी द नंबर वन। वेल, आज के एपिसोड में कल्पना चौधरी इज आवर चैलेंजर। नेक्स्ट एपिसोड हम लाएंगे किसी और चैलेंजर से। टिल देन लेट मी टेल यू दैट यू आर ऑल्सो अ चैलेंजर।